तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर 6.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो अभी तक हमने देखा ए समरूपता प्रमेय यानी कि कौन 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 समरूपता प्रमेय, साथ ही साथ SSS समरूपता प्रमेय यानी कि भुजा 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 समरूपता प्रमेय। अब प्रेम से देखेंगे प्रमेय नंबर 6.5 और वो है SAS यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। अब इसका मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा समरूपता का प्रमेय का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। आओ हम बात करते हैं। सपोज अपने पास दो ट्राइंगल है, हमारे पास दो ट्राइंगल है हर बार की तरह, इस बार भी क्योंकि थ्योरम ही हमारा वही कह रहा है तो दो ही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो दो ट्राइंगल है पिछली बार की तरह, वन ऑफ देम इज एबीसी, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी है एबीसी है, देन अदर इज डीएफ, दूसरा त्रिभुज हमारे पास डीएफ। अब ये जो प्रमेय कहता है, एक बार पढ़ते हैं समझते हैं, कह रहे यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लेते हैं कि ए जो है वो डी के बराबर है, ठीक है, तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजा समानुपाती हो। अब कहने का मतलब है इन कोण को, यानी कोण ए को कोण बना रहा है ए बी और ए सी, कोण डी को कोण बना रहा है ए ई और डी ई और डी एफ, तो यहाँ पर बोल रहा है कोण ए बराबर डी होना चाहिए, साथ ही साथ ए बी का अनुपात अगर ले तो हम डी ई के साथ ले, और ये बराबर होना चाहिए ए सी बट्टे डी एफ, यानी कि इसके कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। अगर कोण बराबर है, कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर सपोज अपने पास ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, ये 3 है ये 4 है ये 6 है ये 8 है। तो अब अगर देखते हैं 30 डिग्री बराबर है, ए बी बट्टे डी ई का अनुपात निकालते हैं तो 3/6 ये कितना निकलेगा 1/2, ए सी बट्टे डी एफ का अनुपात निकालते हैं तो यहाँ से 4/8 1/2। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण बराबर है और कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये तो समझने की बात है, साबित कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं। आओ देखें, आसान सा थ्योरम है, पिछले दो थ्योरम की तुलना करें तो ये थोड़ा सा आसान है, ये मिटा लेते हैं अपन, इरेज कर लेते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं तो इसको हमने इरेज किया, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे गिवेन क्या है, दिया क्या है, यही दिया है कोण ए बराबर कोण डी, पहली बात तो तुमको ये दे रखा है, देन दूसरी बात जो दे रखा है वो दे रखा है तुमको ए बी बट्टे डी ई बराबर दे रखा है ए सी बट्टे डी एफ, ठीक है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ बराबर है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, साथ ही साथ ये कोण इस कोण के बराबर है यानी ए बराबर डी है। साबित क्या करना है, साबित क्या करना है, साबित करना वही हर बार की तरह ही त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है जी। करेंगे कंस्ट्रक्शन, बनावट, बनावट क्या करेंगे, कुछ ऐसा छेड़छाड़ करेंगे ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो जरा, डी त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई और डी एफ पर, डी ई और डी एफ पर पी और क्यू बिंदु इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बाबू, हमने क्या किया सिंपली इस प्रकार से, और साथ ही साथ क्या किया हमने पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया, बस इतना काम हमने किया। क्या किया, ये P है ये तुम्हारा Q है। हमने क्या किया यहाँ पर देखो, हमने क्या किया कि DP पर AB बराबर DP पकड़ा, P बिंदु यहाँ पर रखा ताकि AB बराबर DP हो जाए, Q बिंदु यहाँ पर रखा ताकि AC बराबर DQ हो जाए, साथ ही साथ हमने क्या किया P और Q को मिला दिया। अब आ जाओ परमाण में, परमाण। अब अगर हम देखें त्रिभुज ABC और DPQ में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज डी पी क्यू में, तो कोण ए बराबर कोण डी है क्या, कोण ए बराबर कोण डी है क्या, बोलोगे क्या पता है कि,
अरे पगले दिया है ना कौन ए बराबर कौन डी, यही तो हम बोल रहे हैं। ए बी बराबर पी डी है क्या या डी पी है क्या, ए बी बराबर डी पी है क्या, अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया ए बी बराबर डी पी, साथ ही साथ ए सी बराबर डी क्यू है क्या, अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया ए बी बराबर डी क्यू, ये दोनों कहाँ से आया, बोल देंगे बनावट से आया जी, हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहाँ से आया ये। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजा बराबर हो, किसी दो त्रिभुज में एक कोण और कोण को बनाने वाली दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है सर्वांगसम? जैसे मान लो अपने पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज है के एल एम। हम बता रहे बाबू पी बराबर के है, कोण पी बराबर कोण के है, मानो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं 30 डिग्री, इसका वैल्यू 3 है, यानी पी क्यू बराबर है के एल के और दोनों का मान 3 है। ठीक है, देन पी आर बराबर है के एम के, दोनों का वैल्यू 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इस स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज के एल एम के। ठीक है, इसको क्या बोल, क्यों सर्वांगसम होता है, इसको बोलते हैं बाबू एस ए एस सर्वांगसमता प्रमेय। बातें समझ में आ गई। यहां भी एग्जैक्टली सेम कंडीशन आ रहा है कि अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के, कोण ए बराबर है कोण डी के, इसका मतलब हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। क्यों? एस ए एस सर्वांग समता परमेश। देखो सर्वांग समता का मतलब होता है हर प्रकार से समान, देखने में भी समान और साइज यानी कि आकार भी समान। तो इसका मतलब ये सर्वांगसम हो गया, जो सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है, इतना बात ध्यान रखो। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के, हो गया समरूप। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इसको, इसका काम नहीं है, बस समझाने के लिए हमने बनाया था, तो इसको हम अपन हटा दें। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया क्या है, अब दिया है हमारे पास क्या दिया है, देखना जरा कि ए बी बट्टे डी ई, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी, 8 हो गया ये, बी कर देते हैं इसको। दिया क्या हमारे पास, ए बी बट्टे डी बराबर में ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास दिया हुआ है ए बी बट्टे डी और ए सी बट्टे डी एफ। अच्छा एक बात बताना हमको, ए बी को हमने क्या रखा है डी पी, तो ए पी को डी पी लिख सकते हैं क्या, और इसको डी ई ही रहने देते हैं। फिर ए सी को हमने क्या लिखा है, डी क्यू लिखा है, तो ए सी को डी क्यू लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बट्टे डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम रीजन भी दे सकते हैं कि बनावट से, कहाँ से, बनावट से, या चाहो तो तुम यहाँ से यहाँ ये पूरा दे सकते हो रीजन में, ये पूरा रीजन में दे सकते हो, बनावट से दे देने पर भी हमारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम, चलो बता दो, तो एक बात बताओ यहाँ पर कौन सी बात बताना है तुमको, एक बात बता दो, अगर सपोज हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी और इस त्रिभुज में अगर मान लो ये डी ई भुजा है, अगर होता है ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी ई रेखा जो है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी, साथ ही साथ ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ए सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे डी पी बट्टे डी ई है, डी पी बट्टे डी ई है और डी क्यू बट्टे डी एफ है। हमने कहा अगर ए डी बट्टे ए बी आता है, ए डी बट्टे ए बी आता है, डी ई बट्टे ए सी आता है, तो यहाँ से डी ई समांतर क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, डी पी बट्टे डी ई, डी क्यू बट्टे डी एफ, इसका मतलब कि यहाँ पर पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। क्यों होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से।
सेल्स पर मिल के बिलोंग्स। अब एक बात बता दो, एक बात बता दो हमको, एक बात बताना, अगर अगर ये दोनों त्रिभुज ये सर्व क्या है, समांतर है, मतलब पी क्यू समांतर ई एफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई हो जाएगा कि नहीं। अरे ये समांतर है तो ये संगत कोण हो गया, ये बराबर इसके हो जाएगा। इसी तरह से कोण डी क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण एफ मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा हमारा ये कोण। क्लियर है बातें यहाँ से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम देखें त्रिभुज डी पी क्यू और डी एफ में, त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में देखना जरा, तो कोण क्या आ रहा है, कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई आ जाएगा, अभी अभी हमने साबित किया है। कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ आ जाएगा, अभी अभी हमने साबित किया है। कोण ए बराबर कोण ए आ रहा है क्या, उभयनिष्ठ, क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, देखो दो त्रिभुज हमारे पास डी पी क्यू और डी ई एफ, छोटे वाले त्रिभुज, तो कोण डी पी क्यू में ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये तो दोनों ही त्रिभुज उभयनिष्ठ है। अगर किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज में अगर तीनों कोण इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो अतः क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी, ए बी सी लिखेंगे क्या, डी पी क्यू डी एफ ना, डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों समरूप है, हमने अभी बताया ना, देखो त्रिभुज डी पी क्यू और डी एफ में हमने क्या किया, डी पी क्यू बराबर ई साबित किया, डी क्यू पी बराबर एफ साबित किया, कौन ए दोनों ही त्रिभुज में है, डी पी क्यू बराबर कौन ई, डी क्यू एफ पी बराबर कौन एफ, कोण ए दोनों त्रिभुज में है, यानी डी पी क्यू में भी है और डी ई एफ में है। इसका मतलब तीनों कोण अगर बराबर है दो त्रिभुज में, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और ये क्यों समरूप होगा, ए ए ए समरूपता पर, ये समीकरण हम दो ले लेंगे और यहाँ से ये समीकरण हमारा एक हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, और त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी डी पी क्यू के समरूप है, और त्रिभुज डी पी क्यू डी ई एफ के समरूप है। मतलब देखो डी पी क्यू यहाँ भी आ रहा है और डी पी क्यू यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण एक और दो से क्या देखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यह फाइनल थ्योरम था इस चैप्टर का, तीनों थ्योरम हम समाप्त कर चुके हैं। अब हमको क्या देखना है, अब हमारे पास इस चैप्टर में, यानी ये जो हमने इंट्रोडक्शन किया है ना, यहाँ पर तीन उदाहरण है जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, उसको अब हम देख लेते हैं।